देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। थोड़े दिन पहले आपने देखा ही था कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर काफी ज्यादा बवाल मच गया था। हालांकि यहाँ उनकी बर्बरी की टी शर्ट 41,000 की थी और उसको इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया था कि शायद मुझे लगता है उससे महंगी महंगी टी शर्ट तमाम पार्टियों के नेता पहनते हैं। लेकिन क्या उस टी शर्ट को ट्रोल करने के पीछे क्या इससे मुझे लगता है कि पूरे देश की किस चीज पर फर्क पड़ता है, या भुखमरी पर फर्क पड़ता है, बेरोजगारी पर फर्क पड़ता है, रोजगार पे फर्क पड़ता है, शायद इन सब चीजों से किसी से भी फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी की 41,000 की टी शर्ट से। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गौर करने वाला मुद्दा था वो उस वक्त ये था, खैर यहाँ पर जो राहुल गांधी का मुद्दा उठाया था वो इसलिए उठाया गया था क्योंकि यहाँ तमाम मुद्दों को दबाना था। खासकर जो मुद्दा था वो ये था कि स्मृति ईरानी ने, जब उनकी बेटी का अवैध बार चलाने की खबर सामने आई थी तो स्मृति ईरानी ने ये बात कही थी कि हमारा उस बार से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरे परिवार का। उसके बाद उन्होंने ये शपथ पत्र में भी लिखकर कहा था कि मेरा और मेरी बेटी का और मेरे पति का उस बार से कोई मतलब वास्ता नहीं है। लेकिन आरटीआई के खुलासे से साफ ये पता चला कि उनके पति का 7% शेयर उस बार में था। और इसके बाद भी यहाँ पर अगर इस चीज को देखा जाए, अगर कानूनों के तौर से देखा जाए तो शायद यहाँ स्मृति ईरानी ने शपथ पत्र पर इतनी बड़ी बात लिखी थी जिसके कारण यहाँ जो कयास लगाए जा रहे हैं शायद यहाँ एक एक्ट के दौरान उनको 7 साल की सजा हो सकती है। ये ऐसा इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि देखिए एक स्क्रीन पर और एक नेशनल मीडिया टीवी पर बोलने से ज्यादा जो खतरनाक होता है वो होता है कि शपथ जो पत्र होता है उस पर आप लिखकर किसी बात को कह रहे हैं। और यहाँ पर तो उन्होंने लिखित तौर पर इस चीज को कह दिया था कि मेरा और मेरी बेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आरटीआई के खुलासे से साफ पता चला कि उनके पति का वहां शेयर था। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इस बात पर यहाँ पर कानून व्यवस्था टाइट होकर उनसे पूछे तो शायद उनको 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन बीजेपी के राज में उनके मंत्री और नेता को कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।